जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी और इस कहावत को सच कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां लड़खड़ाते पैरों से दौड़ती एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है और अचानक उस महिला का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कुछ दूर तक वो महिला ट्रेन को पकड़कर घिसटती हुई चली जाती है। ये सब देख वहां तैनात आरपीएफ की महिला सिपाही बिना देर किए उस वृद्ध महिला की तरफ दौड़ती है और उसे बचा लेती है। गनीमत रही कि समय रहते अवतार के रूप में पहुंची महिला सिपाही ने उस वृद्ध महिला को बचा लिया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। दोस्तों, दिल को धड़काने वाली, दिल की धड़कनों को तेज़ कर देने वाली सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये पूरी घटना और ये वीडियो कहाँ की है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना बीते 21 अक्टूबर को मुंबई के सैंडहर्स्ट रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहां लड़खड़ाते हुए पैरों से ये वृद्ध महिला लोकल ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करती है और अपना संतुलन खोकर ट्रेन के साथ घिसटती हुई चली जाती है। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की महिला सिपाही सपना गोलकार बिना देर किए अवतार के रूप में वहां पहुंचकर न सिर्फ इस वृद्ध महिला को बचाती है, बल्कि एक बड़ी दुर्घटना होने से भी बच जाती है, क्योंकि अगर ये महिला ट्रेन की चपेट में आ जाती तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोस्तों, टाइम 24 न्यूज़ सलाम करता है इस जाबाज महिला सिपाही को, जिसकी सतर्कता ने इस वृद्ध महिला की जान बचा ली। ये पूरी घटना मुंबई के रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। महिला आरक्षक सपना गोलकार की वायरल हुई इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी सपना गोलकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहली तस्वीर नहीं जब ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में यात्रियों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं। टाइम 24 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्रेन पकड़ने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी की ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाए। सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।